नमस्कार दोस्तों। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहां पर आपको रीट भर्ती, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड एवं अन्य भर्तियों की जानकारी मिलेगी। साथ साथ राजस्थान शैक्षिक समाचार की पीडीएफ फाइल भी आपको वहां पर मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज 17 अगस्त 2021 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। भास्कर, डेली करंट अफेयर्स, क्यूज, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। रीट की तारीख घोषित, रीट लेवल फर्स्ट में बीएड के छात्र शामिल हुए तो डीएलएड के विद्यार्थी आ सकते हैं मुश्किल में। डेली न्यूज सिटी रिपोर्टर। रीट शिक्षक भर्ती 2021 31 को होगा प्री डीएलएड एग्जाम। प्रदेश में प्री डीएलएड की स्थिति, मुख्य परीक्षा की तिथि घोषित। रोजगार का ऑडिट, क्योंकि विधानसभा के मानसून सत्र में बेरोजगारी बड़ा मुद्दा। दो बजट में 1.28 लाख भर्तियां घोषित। सरकार 88,000 नियुक्तियां दे चुकी है, इनमें पिछली सरकार की कोर्ट में अटकी 46,000 से अधिक भर्तियां भी शामिल है। जयपुर, भास्कर, विधानसभा का मानसून सत्र 9 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। भर्तियों के बारे में वो सब जो आपके लिए जाना जरूरी है। 62,000 से ज़्यादा भर्तियां प्रक्रियाधीन। आखिर किस स्तर पर कितनी भर्ती लंबित। 7,873 पदों के लिए परीक्षा परिणाम जारी किया जा चुका है। 2,182 पदों पर अभी साक्षात्कार किया जाना शेष है। ऐसे आसान किराया, पटवारी व आरईएस समेत कई परीक्षाओं के नियमों में संशोधन। कई बार सेवा नियमों की जटिलताओं से भी भर्तियां कोर्ट में अटक जाती है। इसे देखते हुए सरकार ने सेवा नियमों में संशोधन किए हैं। रीट 2016 में हाई कोर्ट में एसएलपी वापस ले ली गई है। चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग द्वारा जेएनएम डबल एनएम की कुल 6,790 पदों की भर्ती पर न्यायालय में स्थगन आदेश हटवाया। कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 1,896 पद, पटवारी भर्ती, आरएस परीक्षा एवं अन्य भर्तियां। आने वाली भर्तियां और पद, तृतीय श्रेणी रीट 31,000 पद, स्कूल व्याख्याता 3,000 पद, नई कंप्यूटर शिक्षक 10,000 पद, कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 561, पशुपालन विभाग में जलधारी भर्ती 1902 पद एवं मोटर वाहन चालक 437 पद, परिवहन विभाग में मोटर वाहन उपनिरीक्षक 181 पद। ये भर्तियां प्रक्रियाधीन। आरईएस 2021 988 पद, कॉलेज व्याख्याता 2020 918, सब इंस्पेक्टर, हेडमास्टर, पटवारी भर्ती, कृषि पर्यवेक्षक, वनपाल, वनरक्षक, आयुर्वेद, नर्स कंपाउंडर एंड फायरमैन। किस विभाग में कितने पद खाली, चिकित्सा, माध्यमिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, संस्कृत, पुलिस, खाद्य विभाग, आयुर्वेद। माध्यमिक शिक्षा में सर्वाधिक पद खाली पड़े हैं। जयपुर, भास्कर, रीट 2021 नई फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड एवं कर्मचारी चयन बोर्ड भर्तियां। प्रदेश के 5,000 से अधिक द्वितीय श्रेणी शिक्षक इधर उधर। नवज्योति, जयपुर, सेकंड ग्रेड तबादला। तृतीय श्रेणी शिक्षक डार्क जोन और टीएसपी जिलों से भी होंगे ट्रांसफर। 10 साल बाद तबादले की सौगात। ऑफिस टाइम पर सोशल मीडिया के उपयोग पर रोक। अब 15 सितंबर तक हो सकते हैं तबादले। राजस्थान पत्रिका, जयपुर। शिक्षा मंत्री को फेसबुक चलाते मिले कार्मिक। 11 साल का इंतजार खत्म, डार्क जोन से भी होंगे ट्रांसफर। डेली न्यूज, जयपुर, थर्ड ग्रेड शिक्षक। एक्स सर्विसमैन को भर्ती में वर्गवार आरक्षण क्यों नहीं, हाई कोर्ट, जयपुर। एनटीपीसी परीक्षा की उत्तर कुंजी 16 दिन बाद ही जारी। कल से 23 अगस्त तक ही दी जा सकेगी आपत्तियां, रेलवे भर्ती बोर्ड अजमेर।
फायरमैन के 50% पद खाली, नई भर्ती से जोधपुर को उम्मीद। नवज्योति जोधपुर डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में प्रवेश शुरू। एसआई भर्ती 2016, भूतपूर्व सैनिकों को वर्गवार आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा, हाई कोर्ट का जवाब। सब इंस्पेक्टर भर्ती 2016 मामला। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने दिया ज्ञापन। फतेहगढ़ स्कूल व्याख्याता सेकंड ग्रेड। भास्कर युवा रोजगार अवसर, यूपीएससी में पहली बार मेंस एग्जाम के रिजल्ट से पहले ही अगले प्रीलिम्स की आवेदन प्रक्रिया होगी पूरी। जयपुर भास्कर इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर की कक्षाएं 25 अक्टूबर से। जयपुर भास्कर भास्कर नौकरी न्यूज। कल से सरकारी कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी। जयपुर के 22 सरकारी कॉलेजों में 14,000 सीट। जयपुर भास्कर राजस्थान विश्वविद्यालय। नीति आयोग की शिक्षा मंत्रालय को सिफारिश, 70% शिक्षकों स्टाफ को एक डोज लगते ही छोटे बच्चों के स्कूल खोल दे। नई दिल्ली भास्कर शिक्षा विभाग ने बदला आदेश, कक्षा 1 से 8 में अब बिना टीसी के नहीं हो पाएगा स्थायी प्रवेश, 15 दिन में टीसी देना अनिवार्य, स्कूलों ने किया विरोध। बीकानेर भास्कर पंजाब पुलिस कांस्टेबल भर्ती, 4,358 पदों पर भर्ती, आवेदन प्रक्रिया शुरू। राजस्थान पत्रिका जयपुर भारतीय तटरक्षक चार्जमैन सहित अन्य पदों के लिए निकली भर्ती। एग्जाम अलर्ट, यूपीएससी ने वार्षिक परीक्षा कैलेंडर 2022 जारी किया। लेटेस्ट अपडेट, सरकारी कॉलेजों में एडमिशन प्रोसेस शुरू। डेली न्यूज जयपुर स्टूडेंट कॉर्नर, जेडब्ल्यू मैन चौथे फेज की परीक्षा के प्रवेश पत्र शीघ्र। डेली न्यूज जयपुर बीएचयू यूजी पीजी कोर्सेस में प्रवेश की रजिस्ट्रेशन शुरू। डेली न्यूज जयपुर कार्यालय समय में सोशल मीडिया के उपयोग पर रोक, शिक्षा विभाग के अधिकारी और कार्मिक नहीं कर सकेंगे उपयोग, शिक्षा मंत्री ने किया शिक्षा संकुल का औचक निरीक्षण। डेली न्यूज जयपुर अंग्रेजी स्कूल के लिए इंटरव्यू जारी, महात्मा गांधी सरकारी विद्यालयों में खाली पदों के लिए हुआ साक्षात्कार। श्रीगंगानगर नई शिक्षा नीति गरीबों के खिलाफ लड़ाई का साधन, पीएम मोदी का 15 अगस्त को भाषण। नई दिल्ली छोटे व्यापारी और बेरोजगारों को बिना ब्याज 50,000 का लोन, मुख्यमंत्री गहलोत की घोषणा। शिक्षण संस्थाएं ने नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर अविलंब करवाए पंजीयन। बीकानेर स्कूलों प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ाई, 9 से 12वीं में एडमिशन होंगे अब 31 तक, पहली से 8वीं तक पूरे साल होंगे। शिक्षा विभाग ने जारी किए आदेश। नवज्योति जयपुर इंतजार खत्म, सीटेट दिसंबर या जनवरी में। सीबीएसई बोर्ड नवज्योति अजमेर विश्वविद्यालय में पीजी फाइनल व डिप्लोमा परीक्षाएं 1 सितंबर से टाइम टेबल जारी। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय नवज्योति जोधपुर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की 102 अपीलों को मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने किया खारिज। नवज्योति जोधपुर सेकंड ग्रेड शिक्षकों के तबादलों की सौगात, उदयपुर मंडल में 415 शिक्षकों के स्थानांतरण। नवज्योति उदयपुर राजस्थान शिक्षा विभाग पात्र छात्राओं को मिलेगी स्कूटी। नवज्योति बांसवाड़ा देश के सभी सैनिक स्कूल्स की 10 सीटों पर मिलेगा छात्राओं को दाखिला, कक्षा 6 में मिल सकेगा प्रवेश। जयपुर भास्कर जेडब्ल्यू मैन 4 के एडमिट कार्ड जल्द होंगे रिलीज, CUCET आवेदन की अंतिम तिथि 2 सितंबर। जयपुर भास्कर तो दोस्तों इतिहास के राजस्थान के संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।